हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लॉग। एक और वीडियो आपको स्वागत करते हैं। आई एम रणधीर यादव, फिफ्थ ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रसिया। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स यू नीड टू कैरी इन फर्स्ट ईयर। लाइक जब आप फर्स्ट ईयर में पैकिंग करते हो तो क्या क्या चीज़ों का आपको जरूरत होता है, उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो फ्रॉम हियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ का, वो है बुक्स, कि हमें क्या क्या बुक्स लेके जाना चाहिए। देखो बुक्स ना ऐसा है, वहाँ पर स्टूडेंट दो तरह से फॉलो करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम बात करते हैं कि बुक्स, एक सॉफ्ट कॉपी एक हार्ड कॉपी। क्या होता है, जब हम कोई प्रिंटेड बुक्स यहाँ से लेके जाते हैं तो वो हमारा हार्ड कॉपी होता है, और जब हम वहाँ पर किसी सीनियर या किसी से भी अगर हम ये पीडीएफ के फॉर्म में जो बुक्स देते हैं वो सॉफ्ट कॉपी होता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं, इवन एज अ मी, मैं सॉफ्ट कॉपी यूज़ करता हूँ मोस्ट ऑफ द बुक्स के, नोट्स के। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इवन फर्स्ट ईयर से लेकर टिल लास्ट ईयर तक वो सॉफ्ट कॉपी यूज़ करते हैं। हार्ड कॉपी इस कैरी करना मुश्किल होता है, कैरी करना हर जगह प्रॉब्लम है, हर जगह आप उतना बुक्स कैरी नहीं कर सकते, उसको प्रिंट और नोट कर नहीं कर सकते, तो वो सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एज़ पर मी कि अगर आपको अभी तक आदत है कि आप प्रिंटेड बुक से पढ़ने का, तो आप दो बुक्स कैरी कर सकते हो। जो कोर सब्जेक्ट बुक हैं लाइक अनाटमी एंड हिस्टो, अनाटमी के लिए आप ग्रेस अनाटमी ले लो या बीडी चौरसिया ले लो। बीडी चौरसिया लाइक बहुत सारे बंडल्स में बुक होते हैं, तो आप ग्रेस अनाटमी ले सकते हो पार्ट वन पार्ट टू, एंड लाइक बीडी चौरसिया ले सकते हो। अब दूसरा एक कोर सब्जेक्ट में ही आता है लाइक एम्ब्रोलॉजी, लेकिन आप बेहतर मेरा यह सजेशन होगा कि आप एम्ब्रोलॉजी को पीडीएफ में फॉलो करो, क्योंकि अभी तक आप सॉफ्ट कॉपी बुक्स नहीं यूज़ किए थे, तो एटलीस्ट धीरे धीरे आप उस चीज़ में ढलना शुरू हो जाओ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड नेक्स्ट थिंग पे हम बात करेंगे कि जो स्टेशनरी चीज़ें होती है बुक्स के अलावा क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना है। देखो बुक्स वहाँ पर फिर भी आसानी तरीके से आपको मिल जाएगा, लेकिन जो स्टेशनरी चीज़ों में है वो है आपको पेन, पेंसिल, इरेजर्स एंड लाइक ये बंडल्स मिले आओ। ऐसा समझो कि करीब एक बंडल पेन ले लो, 5 से 10 पेन ले लो, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन, जो भी कलरफुल पेन आप यूज करते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए वो ले लो। उसके साथ साथ आप कलर पेंसिल ले लो। कलर पेंसिल इसलिए ज़रूरत होता है क्योंकि जब आपका हिस्ट्री का क्लासेस स्टार्ट होती है या एनाटॉमी का कुछ कुछ डायग्राम्स बनाना होता है, तो आपको कलर पेंसिल की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो हाईलाइट करता है आपको एरिया को, और मार्क करने में आपको फिर आसानी होता है उस चीज़ों को लर्न करने के लिए। वो टीचर्स भी आपको डायग्राम बनाने के लिए देते हैं, इट विल हेल्प यू अलॉट। और वो कलर पेंसिल पेन वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली है, इवन आप ऐसे लिख दे लो कि एक पेन की प्राइस अप्रॉक्स जो यहाँ पर 5 रुपये का 4 रुपये का मिल जाएगा, वो आपको वहाँ पर करीब 20 से 25 रुपये का मिलेगा। तो कॉस्टली होता है, और आपके पास इतना सफिशेंट स्पेस है और हैवी नहीं है ये सब चीज़ें, तो आप ये सब चीज़ों को कैरी करो। एंड मेरे हिसाब से आप एक बंडल पेन ले लो, एक पैकेट पेन, ब्लू पेन, रेड पेन, ग्रीन पेन, पर्पल, जो भी आप यूज करते हो, कलर पेंसिल यूज कर लो, कलर पेंसिल ले लो, इरेजर ले लो, कटर ले लो, और एक्स्ट्रा में ले लेना 2-2 पीस ऐसे करके। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर स्टेशनरी। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि क्लोथ्स, क्या क्या क्लोथ्स आपको लेके जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में। तो मैं बेसिक से बता दूँ कि जो आप यहाँ पर घर पे यूज कर रहे हो वो सारे क्लोथ्स लेके जाओ, और कुछ कुछ जैसे सेट में ले जाओ जिससे आप क्लास जाने के लिए आप यूज कर सको। जैसे ले लो 2-3 टी शर्ट ले लो, 2-3 टी शर्ट ले लो, स्वेटशर्ट ले लो 2, और क्या बोलते हैं 2 शर्ट 2 या 3 शर्ट ले लो, और 4 ट्राउज़र ले लो, 4 जीन्स ले लो, अच्छे जीन्स लेना, थोड़ा सा थिक हो, मोटा हो तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि विंटर का टाइम यूज कर सकते हैं। और विंटर हर्ट्स विंटर के लिए आप 2 चीज़ जरूर लेना, एक थर्मल ले लेना, इंटरनल थर्मल जो होता है वो पैरों के लिए और ऊपर के लिए भी, एंड दिस इज सफिशियंट होता है। और जैकेट आपको जो लेना है यहाँ से वो लाइट वेटेड जैकेट ही लेना, फ्लिपकार्ट मंत्रा पे आपको मिल जाएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, इस टाइप का ही जैकेट लेना, बस वही मत खरीद लेना, बस उस टाइप का जो लिंक मैं दूंगा उस टाइप का आप जैकेट यूज कर लेना। इट विल लाइक इट हेल्प यू इन लाइक कि आप उसको पहन के आप क्लास में बैठ सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप उसको बाहर जाने के लिए आप हॉर्स विंटर के लिए आप वहाँ पर विंटर जैकेट यूज कर लेना, स्नो जैकेट वहाँ पर ईजिली और कोस्ट इफेक्टिव मिल जाता है वहाँ पर। और जूते वगैरह जो हो गया विंटर का आप वहीं से बाई करना, यहाँ पर उतना अच्छा नहीं मिलता है। एंड तो जो क्लोथ्स का समराइज वे ये है कि जो विंटर हॉर्स विंटर के लिए आप टी शर्ट जैकेट्स जो आप सोच के ले रहे हो, जो स्नो जैकेट्स ले रहे हो, वो बेहतर ये होगा कि आप वहाँ से बाई करना, वो आपको आसान और अच्छा मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सामान पे। इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान में आपको 3 चीज़ों में बच्चे कन्फ्यूजन होते हैं, लैपटॉप लेना है, आईपैड लेना है या टैबलेट लेना है, ठीक है। देखो आईपैड इज अ बेस्ट फॉर स्टूडेंट, आप हमेशा से देखते आए हो, हर बच्चा यूज करता है, बिकॉज बहुत ईजी होता है नोट्स को शेयर करना, बुक्स को शेयर करना, और सभी के पास होता है तो कंफर्टेबल होता है ये डिवाइस।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि लैपटॉप लेना है तो आप ले सकते हो, बिकॉज इट्स अ मल्टीपर्पज़ डिवाइस, आप यूज कर सकते हो। बट एज अ मी कि आपको क्या लेना चाहिए, तो एक अपने बजट के हिसाब से एक आईपैड ले लो, दैट इज़ सफिशियंट फॉर लाइक फर्स्ट टिल लास्ट ईयर। और आईपैड का मेरा खुद का एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि जो आईपैड मैंने सेकेंड ईयर में लिया था, आज मैं फिफ्थ ईयर में यूज़ कर रहा हूँ, स्टिल मेरा वही एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट ईयर में यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड ईयर में जो मज़ा आ रहा था यूज़ करने में उस आईपैड को, आज भी फिफ्थ ईयर में वही मज़ा है। ऐसा कुछ नहीं है कि पुराना ऐसा फील होता है, सेम है, तो बहुत कंफर्टेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं कि फूड आइटम में हमें क्या क्या चीज़ें लेके जाना चाहिए। फूड आइटम में आपको बेसिक सा चीज़ें हैं, जो आपको मसाला है वो आपको कैरी करना है। मसाला के साथ साथ आपको कुछ अगर मैगी वगैरह या और भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें कैरी करना है तो आप कैरी कर सकते हो। मसाला मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पास फर्स्ट ईयर में मेस होता है, बट स्टिल बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा होता है कि वो कुक करके कभी कुछ बना के खा सके, तो उसके लिए मसाला होना बहुत ज़रूरी है। और मसाले के साथ साथ कुछ आप फास्ट फूड आइटम लेके जा सकते हो, लाइक मैगी, बिस्किट्स या कुछ और भी चीज़ें जो आप पसंद करते हो वो लेके जाओ। एंड भाई कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि वो यूज करते हैं कि भैया मुझे नमकीन वगैरह ले जाना है, तो देखो लगेज में नमकीन पैक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ पर आपको क्या ड्यूटी फ्री में जो मिलेगा तो वहाँ से आप बाई कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहीं से बाई करता हूँ, लाइक वो मेरा जो लगेज का वेट है वो मेरा कम करता है, स्पेस बचाता है, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, तो वहाँ से आप बाई करना नमकीन वगैरह को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं यूटेंसिल्स, क्या क्या यूटेंसिल्स आपको लेके जाना है। यूटेंसिल्स में आपको बेसिक यूटेंसिल्स जो है, प्रेशर कुकर हो गया, तवा हो गया, फ्राई पैन हो गया, एंड प्लेट ले लेना, बाउल्स लेना, स्पून्स लेना, ये जो छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट चीज़ें हैं वो लेके जाना। एंड इसलिए कह रहा हूँ ये सब बेसिक सामान लेके जाने के लिए भी, क्योंकि आपके पास अभी के टाइम में 2 PC है, बाद में आपके पास सिर्फ 1 PC होगा, इतना लगेज आप नहीं लेके जा सकेंगे। सो अपने स्पेस को और लगेज को आप यूटिलाइज करो ताकि आने वाला टाइम में भी आपको ये चीज़ें हेल्पफुल रहे। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ ना समझ में आए, कुछ चीज़ें रह गया हो, जो चीज़ें लग रहा हो कि भैया मुझे ये भी ले जाना है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और नहीं अगर आइडिया लगता है तो आप मुझे कॉल करना, एंड आई विल हेल्प यू डेफिनेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।